ओके, 16वां अध्याय 23वां और 24वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। या शास्त्र विदेम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वां अध्याय 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। सो भगवान कह रहे हैं दो श्लोकों में, 23वां और 24वां श्लोक। 16वें अध्याय का नाम है दैवी तथा असुरी। 16वें अध्याय का नाम ये है और भगवान ने इसमें ये बताया कि दैवी गुण किसके पास हैं, दैवी पुरुष कौन है और आसुरी पुरुष कौन है। दैवी मतलब होता है कि अच्छे लोग, आसुरी मतलब गंदे लोग बेसिकली। सोलहवां अध्याय 23वां श्लोक है जो आसुरी लोग हैं और 16वां अध्याय 24वां श्लोक है जो दैवी है। डेफिनेशन दे रहे हैं आसुरी कौन है और दैवी कौन है। तो असुर कौन है भगवान बता रहे हैं तो 23वें अध्याय श्लोक में 16वें अध्याय के। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो लोग शास्त्र की विधि छोड़ते हैं। तो असुर वो हैं जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते, ये सिंपल एनालिसिस है। क्योंकि आपको इस संसार में बहुत सारे लोग अच्छे भी मिलेंगे, होते ही यानी हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, वो अच्छे सच बोल रहा है, सब अच्छे से जी रहा है, चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, मगर शास्त्रों का पालन नहीं करता तो क्या है वो असुर है वो। क्योंकि जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, जो शास्त्रों की विधि या शास्त्र विधिम विधि बोला है, शास्त्रों के नियम शास्त्रों की विधि समझता नहीं, पालन नहीं करता, वो असुर इसलिए है क्योंकि वो चाहे अच्छा काम भी कर रहा है अपने मन से, मगर वो शास्त्र पालन कर रहा है। वो क्यों पालन कर रहा है शास्त्र को? क्योंकि उसको पता है शास्त्र किसने बोले हैं, भगवान ने, तभी तो कोई पालन करेगा, ऐसे क्यों करेगा, वो कहेगा हम क्यों माने। हम इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान ने बोला है, इसलिए हम समझते हैं कि शास्त्र परफेक्ट है क्योंकि भगवान परफेक्ट है। इसलिए जो शास्त्रों की विधि नहीं मानता वो असुर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भगवान पे विश्वास नहीं है और इसलिए भगवान की बातों पे विश्वास नहीं है। शास्त्र मतलब भगवान की बातें, क्या है वो, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। शास्त्र भगवान ने बनाए, प्रणीतम भगवान ने बोले, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिए थे, समझ गए ना। इसलिए असुर कौन है, जो शास्त्रों की विधि को यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब छोड़ देता है, उत्सृज्य का मतलब होता है, तो सृज्य मतलब सृष्टि करना, सृज्य सृजन, और उत, उत, उत अगर उसे पहले उत लगा देते हैं तो इसका मतलब उसके उल्टा कर दिया आपने, सृष्टि को खंडन कर दिया। उत 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 मतलब जैसे हिंदी में नहीं कहते ऊत है वो, सुना है यहाँ के बिहारी में चलता है क्या पता नहीं चलता है, उसमें बहुत शैतान होता है उसको कहते हैं ऊत है, ऊत ऊत से ऊट आ रहा है, ऊट पटांग, हाँ तो ऊत उसको कहते हैं, ऊत है, ऊत होता है ना आपके, होता है नहीं होता है, हाँ उत्पाती भी होता है, हाँ तो वो ऊत ऊत वैसे तो ऊत ही बोलते हैं, ऊत है ये, पता नहीं यूपी में तो ऐसे ही चलते हैं हमारे, ऊत है। सो ऊत मतलब कि उत्पात मचाना, तो जो सृष्टि में उत्पात पहुँचा देगा वो उसको उत्सृज्य कहते हैं, छोड़ता है अपने आइडिया से कुछ भी करता रहता है पागलों की तरह, है नहीं, शास्त्रों की बात नहीं मानेगा, एज इट इज कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए, बकवास है सब, हम अपने मन से चलेंगे। उत्सृज्य मतलब छोड़ना बेसिकली, तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, ये असुर है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, तो जो भी लोग आपको सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, दानी लोग मिलेंगे, सज्जन लोग मिलेंगे,
मगर गीता की दृष्टि से वो सब क्या है, असुर है, अगर वो शास्त्रों को नहीं मानते तो। दैट्स ऑल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शास्त्र के बारे में पता ही नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शास्त्रों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, जो कुछ कुछ लोग अज्ञानी भी होते हैं ना, असुर लोग तो मानते ही नहीं, और शास्त्र बोलोगे हम नहीं मानेंगे, जैसे आजकल के यूथ्स हो गए हैं, बकवास है शास्त्र, किसने लिखा है, कुछ नहीं, इंसानों ने लिखा है, ऐसे नास्तिक बन गए ना। कुछ लोग अज्ञानी होते हैं सोसाइटी में, उनको पता ही नहीं शास्त्र क्या है क्या नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, जी रहे हैं, अगर उनको बताओगे तो मान लेंगे, तो उनको आप असुर नहीं कहोगे, उनको क्या बोलोगे, हाँ उनको बोलोगे बालक। प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा या करोति समध्यम ईश्वर तदधीनेशु बालेशेषु सत्सुच। बालक, बालक हैं वो, उनको पता ही नहीं। ऐसे लोगों को हम प्रीचिंग करते हैं नहीं, को पता होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो लोग क्या है फिर, जिनको, जो अज्ञानी है, वो लोग क्या है, दैवी हैं असुर हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं मगर शास्त्र की विधि को नहीं मानते, इसलिए शास्त्र विधि है। जैसे ये नहीं होते आपके तो ऐसे पंडित लोग नहीं होते आजकल, पढ़ पढ़ के आ जाते हैं कर्मकांडी, मगर शास्त्रों से गलत अपना फिलॉसफी, कर्मकांडी फिलॉसफी निकालते हैं। शास्त्र की विधि क्या, शास्त्र की विधि है भगवान की भक्ति करना, मगर वो शास्त्र से न्याय वैश्य का सांख्य गलत गलत सिद्धांत निकालेंगे। और तो ऐसे यूनिवर्सिटी के लोग भी तो पढ़ते हैं शास्त्र, PhD नहीं करते, वो कह रहे हम तो पढ़ रहे हैं मगर शास्त्र की विधि को नहीं मान रहे। शास्त्र की विधि है भगवान की भक्ति करना, तो वो भी क्या हो गए, हाँ जैसे तो ऐसे मान लीजिए आर्य समाज है, आर्य समाजी कौन है, जानते हो आर्य समाज सब लोग, जानते हो सब लोग आप लोग, कौन है वो, दैवी असुर है वो, तो शास्त्र उनसे ज़्यादा वेद तो कोई पढ़ता ही नहीं, वो तो वेद पढ़ते ही नहीं, बट वो कंक्लूजन क्या है उनका, वेद पढ़ के कंक्लूजन ये है कि कृष्णा नर्क में। दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी है, आर्य समाज पता नहीं सबको, पता है सबको, दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी है, क्या किताब है किसी को पता है, सत्यार्थ प्रकाश, उसके Volume 2 में लिखा है कृष्णा नर्क में। हाँ, अभी कृष्णा ने इतने सारे गोपियों का सेक्स किया था इसलिए उनको भगंदर रोग हो गया और वो नर्क में, इतनी अजीब मतलब मैडनेस है, पता नहीं इसको किसी ने मारा नहीं, शायद उसकी किताब नहीं पढ़ी होगी किसी ने, वरना तो मर जाता वो ऐसी बेकार चीज़ें लिखी हैं, अजीब अजीब, पूरी ऑफेंसिव। तो क्या कहोगे ऐसे लोगों को, शास्त्र वेद, वेद पूरे वेद पे कमेंट्री, वेद आर्य समाज वाले तो वेद पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, तो क्या है ये लोग ऐसे। तभी भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र उत्सृज नहीं कह रहे, जो शास्त्रों को छोड़ता है उसको असुर नहीं कह रहे, जो शास्त्र विधि छोड़ता है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र भी पढ़ते हैं मगर गलत गलत निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो भी असुर में आ गए। क्लियर है, क्लियर हो गया, क्लियर। शास्त्र विधि उत्सृज, मायावादी लोग वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शंकरा अद्वैतवादी वो तो बहुत अपारंगत होते हैं, मैं कहा असुर हैं, क्योंकि वो शास्त्र विधि नहीं मान रहे, भक्ति को छोड़ कुछ और ही बना दिया, मैं ही भगवान हूँ ले। सो ये सब उटपटांग चीज़ें हैं। तभी कह रहे हैं उत्सृज्य, उत्सृज्य समझते ना, उत्पत्त उत, मतलब शास्त्र पढ़ के उसमें उत्पात बना देते हैं, उत्पाते वकल्पते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के मिधि बिना एकांति के हरे भक्तिर उत्पात। तभी उत्सृज्य वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र पढ़ेंगे उल्टे उल्टे कंक्लूजन निकालेंगे, उत्पात मचा देंगे, गलत गलत गंदे लोग हैं, जो सारी कैटेगरी के लोग असुर लोग हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते या शास्त्र पढ़ते हैं मगर उसमें से गलत सिद्धांत निकालते हैं, या मायावादी लोग, ये सारे भगवान ने एक ही लाइन में काट दिया, या शास्त्र विधिम उसे खत्म हो गया, फिनिश हो गया। और फिर क्या बोल रहे हैं, वर्तते काम करत, और शास्त्रों के विधि छोड़ के क्या करते, वर्तते काम करत, काम करत मतलब अपनी इच्छाओं के लिए
काम करते रहते हैं, अपने आइडिया बनाते रहते हैं। शास्त्र की विधि क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि शास्त्रों की विधि, शास्त्रों में लिखा इच्छाएं छोड़ो, या शास्त्र विधि क्या भक्ति, इच्छाएं छोड़ो, बस वो नहीं करके अपना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग। वर्तते, वर्तते मतलब रहते हैं क्यों, काम कारत, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। आसुरी लोग वो होते हैं जो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये दूसरी चीज़ बता रहे हैं असुर कौन है। एक तो शास्त्र नहीं मानेंगे, शास्त्र विधि, दूसरे अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो इच्छाएं पूरी करना कंप्लीट नॉनसेंस आइडिया, वो असुर है। क्लियर हो गया? तो अगर इस डेफिनेशन से देखो, जो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और शास्त्र नहीं मानते, तो सारे यूथ्स क्या हैं? असुर है। हमें कनाडा आना है, अमेरिका जाना है, हमें ये करना है, वो करना है, सीईओ बनना है, वो करना है, भगवान है, भगवान वगवान कुछ नहीं है, सब असुर बन चुके हैं। अब ये बात है कि ये जो यूथ्स हैं, हाँ सब ऐसे ही बन गए। इसलिए श्री प्रभुपाद ने कहा वैज्ञानिकों को प्रीचिंग करो, क्योंकि उनके आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं? सारे वैज्ञानिकों से तो आ रहे हैं। भगवान नहीं है, सृष्टि बिग बैंग ने की है, एवोल्यूशन है, बंदरों से आए हैं, सब उल्टी फुल्टी थ्योरी पढ़ा पढ़ा के दिमाग ख़राब कर दिया। उनके इन्फ्लुएंस में ये भी बन गए सब लोग। तो यह काम कर रहा था न स सिद्धिम, जो आसुरी लोग हैं उनका रिजल्ट क्या है? न स सिद्धिम अवापनोति, उनको अवापनोति मतलब मिलना, सिद्धि को किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं मिलती। सक्सेस, सिद्धि मतलब सक्सेस, उनको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम, क्योंकि असली सक्सेस है सुखी होना। नहीं, आपको सक्सेस तो मिलती है, हम तो देखते हैं इतना अमीर बन गया वो, यही है ना। भगवान तो कह रहे हैं आसुरी लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, मगर ये तो अमीर बन गया, ये तो भाद है इसने, ये तो इतना अदब पढ़ लिख लिया, इतना बड़ा आदमी बन गया, ये कहाँ सक्सेस तो मिल गई लाइफ में। मगर भगवान कह रहे हैं नहीं, सक्सेस क्या है? ऐसे सिद्धि में बाप नहीं होती न सुखम, असली सक्सेस वो सुख है, उनको सुख ही नहीं मिला। तो सक्सेस क्या है? पैसे लेके क्या खाएंगे क्या? समझ गए? इतने पैसे हो गए, सुखी नहीं है तो सक्सेसफुल है वो? लोगों की दृष्टि में होगा, भगवान की दृष्टि में तो जीरो है वो। लाइफ में सुखी नहीं है तो क्या सक्सेस है? क्या पैसे कर लेगा? बल्कि मैंने तो देखा है, जितने दुनिया के जितने अमीर आदमी कोई सुखी नहीं है, मैं तो देख चुका हूँ। क्योंकि मुझसे तो सब रोके रोते हैं ना, कर मुझसे तो सब बताते हैं अपनी लाइफ, और कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है, झूठा मुखड़ा है हंसी का। सो भगवान कह रहे हैं फेलियर है वो लाइफ में, असली सक्सेस तो वो है जो सुखी है, जिसका मन शांत है, वो संतुष्ट है लाइफ में। अरे इसके आगे कह रहे हैं हम, और जो इस जो सुखी नहीं है, जिसका मन ही शांत नहीं है, जिसके मन में करोड़ों इच्छाएं, न पराम गति, ना उसको परम गति मिलेगी, ना भगवान की प्राप्ति होगी, है नहीं, जन्म जन्मित्व में फंस के रह जाएगा, यह असुर है और उनकी लाइफ का रिजल्ट है। बस दैट्स ऑल। ओके, अब ये तो असुर हो गए, अब दैवी कौन है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, दैवी वो हैं जो कि शास्त्र प्रमाण से चलते हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं वो चलते हैं, क्योंकि उनको भगवान पे विश्वास है, तो जो भगवान कहेंगे हम तो वो करेंगे, शास्त्र भगवान की वाणी है तो हम तो वो मानते हैं, बस दैट्स ऑल। चाहे साइंटिस्ट कुछ भी कहते रहें, संसार के लोग कुछ भी कहते रहें, हमें कोई परवाह नहीं है उसमें, हम ना उसको मानते हैं। क्लियर है? सो शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, शास्त्र प्रमाण मानते हैं दैवी लोग। और दूसरा है कि दैवी लोग क्या करते हैं? कार्य कार्य व्यवस्थित, शास्त्रों के अनुसार
ये समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ भी शास्त्रों के अनुसार चलाते हैं। भगवान और उनके वाणी में उनको आस्था होती है और कार्य कार्य व्यवस्थित हो, और अपनी लाइफ को भी भगवान के डायरेक्शन के अनुसार चलाते हैं। वो दैवी हैं, फिर क्या है कार्य कार्य व्यवस्थित हो। हाँ, तो ज्ञातवा शास्त्र विधान उक्तम, तो शास्त्रों के विधान को अच्छी तरह समझते हैं, विधि को, विधि बताया, भक्ति करते हैं, शास्त्रों की विधि को समझते हैं, भक्ति करते हैं दैवी लोग, फिर कर्म कर तुम हरसी, और इस तरह से अपना कर्म करते हैं शास्त्रों की विधि के अनुसार। कर्म मतलब भक्ति की क्रियाएं करते हैं, ये दैवी है, काम खत्म हो गया बस। सो सिंपल डेफिनेशन, दो शब्द दो श्लोकों में, आसुरी कौन है दैवी कौन है। तो आपको अगर बताना आसुरी कौन है तो कौन सा श्लोक कोट करना है, 20 डिग्री, और दैवी कौन है अगर आपको बताना है, पड़ोसी कौन है 23, 16 जाएगा 23, आपको बताना है आप कौन हो तो 16 जाएगा 24 श्लोक, बस काम खत्म, ये है बस बात। तो ओके, जय हरे कृष्ण।